हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ सूजी और आलू के नमकीन और सूजी की और आलू की स्टफ कचौड़ी। फ्रेंड्स, आपको पसंद आएगी मेरी रेसिपी। और ये मैंने आलू को बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है, इसमें कोई गांठ नहीं है। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, अब डालूंगी ठंडा होने पर डालूंगी नमक, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं ये यहाँ मैंने आधा किलो सूजी ली है कच्ची, और अब मैं इसको पानी के साथ इसको हलवे की तरह इसमें अच्छे से पका लूंगी। भूनूंगी नहीं, ऐसे ही कच्चे ही मैं इसको पका लूंगी। पकाने के बाद इसको आटे की तरह गुथूंगी। तो मैं इसको अंदाज से पानी डाल के, और इसको मैंने गैस जला दी है, अब मैं इसको गूथना शुरू कर रही हूँ। तो पानी मुझे इतना डालना है कि बस ये अच्छे से गीली हो जाए और उस भाप बन के ये थोड़ा सा पक जाए, बस इससे ज्यादा मुझे इसे नहीं पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ गीला किया है इसको, पूरी तरीके से पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं है। देखें तो मुझे बस ऐसे ही इसका रखना है, और मैंने गैस जला दी है, अब मैं इसको इसमें पकाऊंगी। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि आलू में हम अलग से नमक डालेंगे, स्टफिंग में अलग से नमक डाल देंगे, और जो हम इसमें मिक्स करेंगे। मैं इसे पका लेती हूँ, और पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। लगता है कि इसे टाइम लग रहा है, तो आप थोड़ी देर इसको ढक भी सकते हैं। ढकने से जो है जल्दी फूल जाएगी और सूजी, और उसके बाद में हम इसको फटाफट से पका लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको ढक दे रहे हैं, सिर्फ 2 ही मिनट में ढकना है, इससे ज्यादा नहीं ढकना है। और 2 मिनट में, क्योंकि ये चिपक जाएगी फिर, बस अब हमारे स्टीम बन गई है थोड़ी सी, हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आटे की तरह बन जानी चाहिए। हमें इसको पकाने के बाद इतना हाथ से गूथना है, इतना सॉफ्ट करना है कि इसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल आटे जैसी दिखे, इसकी शक्ल पता ना चले कि ये सूजी है या आटा है, इसीलिए मैं इसको पका रही हूँ। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच ऑयल डाल सकते हैं। ये मैंने अब गर्म कर लिया है, अब ये बंद गया है एक तरीके से, अब मैं इसको बंद कर दूंगी और फिर हाथ से खूब अच्छे से मैश करूंगी। इसे मुझे जो है गरम गरम में ही गूथना है, मुझे इसे ठंडे नहीं होने देना है। मैं इसको गरम गरम ही अच्छे से गूथ लूंगी। और अब मैं इसमें मिला दूंगी आलू, मैंने इसमें मिला दिया है आलू। अब मैं इसको दोनों को मिला के इसके अंदर अच्छे से गूथ लूंगी।
आप इसमें चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, बस आप ग्रीन चिली और धनिया नहीं डाल सकते इसमें, क्योंकि वो जो है हमें नमकीन बनाते समय जो है वो जाली में फंस जाएगा इस वजह से। फ्रेंड्स, और मैं इसे भी पूरी तरीके से आटे की तरह पूरी तरीके से मल लूंगी और अब मैं इसको सेल्फ पे मथ लेती हूँ पूरी तरीके से। इतनी सॉफ्ट डो बनना चाहिए जैसे कि हम पूड़ी कचौड़ी का आटा गुल लगाते हैं। मैं इसमें थोड़ा ऑयल लगा लूंगी बेस पर। नमक मैंने सूजी में डाल ही दिया था फ्रेंड्स, इसमें मैं हल्का नमक ही रखूंगी क्योंकि तेज नमक फिर खाया नहीं जाता। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा डो कंप्लीट तैयार हो गया है। मुझे इस कचौड़ी को हाथ से ही बनाना है, ऐसे हाथ से चकले बेलन से नहीं बनाना है, बस ऐसे रंगे से सेक करना है। आप मैंने ये सिक्के भी रखी हुई है इस तरीके की, बहुत ही खस्ता करा रही थोड़ी बढ़िया। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैंने ये सारी कचौड़ियां जो है ये पूरी सेक ली हैं और हम इनको सर्व करूंगी। देखते हैं, ये बहुत ही खस्ता करारी बनी है, बहुत ही खस्ता। देखेंगे इनका टेक्सचर जो है बहुत ही खस्ता है, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही खस्ता कचौड़ी बनी है, और आप भी बनाइए खिलाइए। अब मैं आपको दिखाऊंगी नमकीन, नमकीन इसकी सूजी की कैसे बनाते हैं, आलू और सूजी की। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपके सामने नमकीन बनाऊंगी। मैंने जो है इसमें नमकीन डाल रही हूँ मैं, इसमें आप मोटी पतली कैसी भी नमकीन बना सकते हैं फ्रेंड्स, और मैं थोड़ा मोटी बनाऊंगी क्योंकि ये कुरकुरी सुरकुरी अच्छी लगती है मोटा बनाने के बाद, जिससे आप लच्छा भी बना सकते हैं, आलू लच्छा। तो मैं इसमें से बना रही हूँ ये जलेबी, छोटी छोटी नमकीन। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये नमकीन भी बना ली है, ये नमकीन बनाई है और ये कचौड़ी बनाई है आलू और सूजी की। और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।